today, what we have to do, we have to deal with two quadrant angles, that is pi and 2 pi. On Saturday, we have done the formulas or identities with pi by 2 and 3 pi by 2. Now, we have to do it with pi and 2 pi. For that, beta, simple si baat hai. Isme koi change nahi hota. Sine hai, to sine rahega. Cos hai, to cos hi rahega. Tan hai, to tan hi rahega. Sirf angle ke check karna hai ki angle kaun se quadrant mein aa raha hai. Uske accordingly negative or positive aapne put kar. Bas, nothing else. Means sine pi plus theta. Suppose maine liya. अब पाई यहाँ है, थीटा ऐड करूंगी तो बेटा इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. साइन का साइन ही रहना है, सिर्फ साइन चेक करना है मैंने. अब मुझे बताइए साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो मुझे यहाँ पर माइनस लगा. ओके, पाई और टू पाई में नो चेंज, बट इन 90 एंड 3 पाई बाय 2 में मींस 270 में को लगा है तो हटा दीजिए, नहीं लगा तो लगा लीजिए. ओके बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं टैन पाई माइनस थीटा क्या आएगा, देखिए पाई माइनस थीटा मतलब पीछे को जाएंगे, है ना, माइनस में पीछे प्लस में आगे. तो जब मैं पीछे में गई तो टैन यहाँ पर नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा. ओके अच्छा, cos 2 pi minus theta, it is cos theta, 2 pi minus मतलब पीछे को आना, और यहाँ cos positive होता है. मैं बार बार कह रही हूँ स्टेटमेंट को देखना है, आंसर को नहीं देखना. यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर 90 और 3 pi by 2 में फर्क पड़ता है. ओके बेटा क्लियर. तो अगर अब मैंने चेक करना है cos 2 pi plus theta, ये भी cos theta प्लस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सारे आंसर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. ओके जी, चलो एक अब आप बताइए मुझे, लेट अस डू secant 2 pi minus theta. चलिए हरी अब नेक्स्ट टर्न, गुरजोत सिंह, गुरजोत सिंह रोल नंबर 17, अनम्यूट योरसेल्फ. गुरजोत सिंह रोल नंबर 17, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके ध्रुव रोल नंबर 13, ध्रुव रोल नंबर 13, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. ओके श्रेया, श्रेया बेटा यू कैन टेल मी. यस मैम, ये आएगा सीकेंट थीटा. करेक्ट है बेटा, 100% करेक्ट. ठीक है, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू डू दिस, कि हम कैसे उसको मतलब हमें कोई लर्न नहीं करना, हमने बस एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया. पाई टू पाई में नो चेंज, ओनली वी हैव टू सी द साइन, बट इन केस ऑफ पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 इफ को इज देयर delete it, if co is not there add it, simple se baat. Okay then, chaliye ab hum next, main aapko ek bar yaad hoga ki maine aapko us din formula ye bhi karaye the sin a plus b ya sin x plus y kisi se bhi hum likh le answer wohi banna hai. Sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. और अगर cos में होता था तो मैंने आपको कहा था cos a cos b, लेकिन प्लस है तो माइनस लग जाना sin a sin b. ओके जतिन, एनी प्रॉब्लम और यू वांट टू आंसर समथिंग? ओके ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने tan वाला, मैं सबका एक एक फॉर्मूला लिख रही हूँ. tan a plus b, tan a plus tan b over
वन माइनस टेन ए टेन बी। आपको पता है कई बार ना हम इन्हीं में दूसरा फॉर्मूला भी लिख देते हैं, कैसे, अगर माइनस है तो यहां माइनस लगा देते, मतलब उसको कंबाइन कर देते। इफ माइनस इज देयर वी कैन राइट ओनली प्लस हियर ना, अदरवाइज का फॉर्मूला इससे, फिर यहां माइनस है तो यहां माइनस यहां प्लस। ओके, एक मैं आपको कॉट का भी बता देती हूँ, ये नहीं मैंने बताया था क्योंकि मुझे लगा था फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कॉट ए प्लस बी, यहाँ पर बेटा कॉट ए कॉट बी या कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन ओवर, बेटा पहले कॉट वाई ही लिखना, मतलब कॉट बी ही लिखोगे। उसका कारण जब यहाँ माइनस होता है ना तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, अगर आप किसी एक में भी कॉट ए आगे लिख दोगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो राइट हियर नेगेटिव, क्लियर बेटा। दोनों फॉर्मूले मैंने एक ही फॉर्मूले में, देखो कहाँ हमने सारे टू 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 अलग किए थे, एट फॉर्मूले थे, हमने किसमें लिख दी, ओनली फोर फॉर्मूले में कंपनसेट कर दिया अपन प्लस माइनस, ठीक है। ठीक, अब पहले इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर आगे नए फॉर्मूले बताएंगे, नहीं तो आपको सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेट अस डू द क्वेश्चन रिलेटेड विद ऑल दीज फॉर्मूलाज सो दैट आपको पता चले हम यूटिलाइज कैसे कर सकते, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज 3.3 लेट अस डू। ओके, आप लोग करोगे, आप लोग मुझे बताओगे ताकि आप लोगों को पता चले हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, बी एक्टिव। ओके बेटा, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, ये तो आपने ऐसे क्वेश्चंस टेंथ में भी किए। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 That is equals to minus 1 by 2. Okay? तो क्या करें? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले, अब साइन स्क्वायर पाई बाय 6. हाँ जी, पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री. पाई बाय 6 इज 30 डिग्री. है ना? तो मेरे पास हो गए, आपको नहीं पता चलता है तो देखिए 180 डिवाइडेड बाय 6. That is 30 बेटा. है ना? तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है। ओके, नेक्स्ट कॉस 60, हाँ जी कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट टर्म? हाँ जी गुरसिरत, गुरसिरत अनम्यूट योरसेल्फ, सिर्फ वही बच्चे बार बार पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, बाकी क्यों नहीं? ओके युवराज, यस युवराज, 60 हो जाएगी इसकी, okay, 5 by 3 60 हो जाएगा। हाँ जी, तो 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू बेटा 1 by 2 ही है, बिल्कुल 1 by 2। नेक्स्ट युवराज, tan 45 की वैल्यू, tan 45 मींस, हेलो हेलो सीधा, डोंट डिस्टर्ब बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। हाँ जी गुरसिरत, आप बोलिए tan pi by 4 कितनी है? 45 डिग्री, बिल्कुल 45, tan 45 की वैल्यू 1, वेरी गुड, चलिए है ना। अब मेरे पास हो गए बेटा, यहाँ पर वैल्यूज जो है हमने कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हुई, तो 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 टेक एलसीएम, और 1 plus 1 minus 4 that is minus 2 by 4 और माइनस 1 बाय 2। ओके बेटा, यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो 10th क्लास का ही काम था, इसमें कोई अभी हमने फार्मूला नहीं यूज किया, कुछ नहीं किया, अब अगले क्वेश्चन में आएगा फार्मूला यूज कर, ठीक है, या पूरा नया कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट यूज करना आएगा। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, ऑल ऑफ यू स्टार्ट डूइंग इट,
and show it me on your screen. Okay, beta. 2 sine square pi by 6 plus cosecant square, mere paas 7 pi by 6 plus I am having cos square pi by 3. मुझे प्रूफ करना है दैट इज इक्वल्स टू 3/2. कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं. देखिए इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वैल्यू, है ना 7 pi/6. हमने ये एक्सरसाइज 3.2 में इवैल्यूएट करना सीखा था. हु इज एबल टू टेल मी हाउ टू इवैल्यूएट दिस? जल्दी जल्दी चलिए दिव्यांशी की टर्न ले लेते हैं. यस दिव्यांशी बोलिए बेटा. मैम pi plus pi by 6. ओके मैं अलग कर रही हूँ कोसेकेंट जो है स्क्वायर 7 pi/6 को. मुझे कहा गया ये जो स्क्वायर होता है ना इसको बाहर ले लेते हैं और पाई प्लस पाई बाय सिक्स से ब्रेक कर दिया. बिल्कुल ठीक है क्योंकि देखो 7 pi को मैंने ब्रेक किया था 6 pi + 5. आपको याद होगा मैंने कहा था डिनोमिनेटर के मल्टीपल से ब्रेक करना है. तो 6 × 1 = 6 तो 6 pi + 5 और जब मैं सेपरेट करूंगी तो ये कोसेकेंट जो है मेरे पास पाई प्लस पाई बाय सिक्स हो गया. और मैं आपको एक चीज बता दूं जब स्क्वायर होना टेंशन ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव देखने. मुझे पता है अगर नेगेटिव आना भी हो उसने कंज्यूम भी कर लेना ठीक है ना. तो बेटर क्या है सिर्फ हम यहाँ देखें पाई है तो मुझे पता है वो कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहना है. स्क्वायर बन जाएगा और ये पाई बाय सिक्स हो जाएगा. सिर्फ ये आपको रिकॉल करने के लिए सारा समझाया. ओके बेटा क्लियर. तो चलिए अब मुझे पता है कि इसकी जगह कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय सिक्स साइड पे शो करो या स्टेप में शो करो ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है बेटा जी. तो अब हम बाकी सीधा वैल्यूज पुट करेंगे. तो मेरे पास हो गए 2 यहाँ पर कितना हो गया 30 degree और 30 degree मतलब 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है. यहाँ पर मैंने कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 लिख दिया. यहाँ कॉस पाई बाय 3 मतलब 60 तो 60 की वैल्यू 1/2 होती है. स्क्वायर है और स्क्वायर लिख दी. अब इसकी वैल्यू भी पुट कर दें. यहाँ पर ये कोसेकेंट बेटा 30 degree. आपको पता है कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन और साइन 30 degree की वैल्यू 1/2 होती. तो अगर 1/2 है तो उसका ये 2 बन गया. तो यहाँ पर बेटा कितना आ गया 2 का स्क्वायर. यस दिव्यांशी करेक्ट है बेटा आपका 1/4 + 4 × 1/4. ये देखिए ये कट गया ये कट गया 1/2 + 1 एलसीएम दिया तो ये 3/2 that is equals to RHS. okay बेटा clear सबको clear हो गया. ऐसे ही हमारे पास question number 3rd है question number 4th है. that is your homework. okay homework questions are question number 3 and 4 बेटा. okay try to do it. If any problem, we will discuss tomorrow in the class. ठीक है जी, same questions हैं. चलिए, अब हमारे पास हो गए next question जो गए. मैं इसके बारे में already आपको hint दे चुकी हूँ. But फिर भी let us do it again. Question number 5, first part बेटा, that is sine 75 degree. और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे को इस एंगल को ऐसे 2 एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है. और मैं बार बार बोल रही हूँ वो वैल्यूज क्या होती है 0, 30 degree, 45 degree, 60, 90 विदाउट सीइंग एनी टेबल. टेबल एक्चुअली जैसे एक बुक होती है जिसमें लॉग टेबल्स होते हैं. आप पढ़ोगे लॉग क्या होता है तो उसमें साइन कॉस टैन की ना वैल्यूज दी होती है. ये फिजिक्स में भी यूज होती है. तो वो साथ में आपको बता दिया जाता है कि साइन अगर 32 डिग्री है तो उसका आंसर क्या है. बट ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, मतलब हमें टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है. बट
विदाउट यूजिंग टेबल बहुत बार आता है, तो उसमें मतलब वो विदाउट यूजिंग टेबल डजंट मीन कि ये जो 30-45 हम टेबल से ले लें, हमने मैन्युअली टेबल बनाया हुआ है, मैन्युअली हमारे दिमाग में फिट है कि इस टेबल में कोई बुक के अर्थ तो नहीं ना ले रहे, तो इसीलिए उन एंगल्स में ब्रेक करना होता है। तो क्लियर कट 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब क्लियर कट देखिए, यस समृद्धि, यस बेटा। मैम इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 100% वी कैन यूज हियर साइन ए प्लस बी, और उसका फॉर्मूला आपको याद हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दैट मींस आप ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 45, ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मेरे पास हो गए और साइन बी। यस जपन जोत, यू वांट टू आंसर एनीथिंग, टेल मी द वैल्यूज जपन जोत। अरे बेटा यस मैम, हाँ जी बोलिए मैम। साइन 30 हो गया 1/2, यस मैम। कॉस 45 1/√2, एंड मैम कॉस 30 √3/2, यस, एंड साइन 45 1/√2। अब बेटा 2 एंड मैम आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/√2। बिल्कुल, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कई बार यूज भी होती है, तो आपको लर्न भी करना चाहिए इसका आंसर कि √3 प्लस 1/√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो आपको लर्न भी होना चाहिए पुत्र। ओके क्लियर, ऐसे ही बेटा हमारे पास हो गया tan 15 डिग्री। ओके तो tan 15 डिग्री जो है क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है, आई थिंक यू ऑल आर एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट, हु विल टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, हरी अप बी फास्ट। हाँ जी बेटा, एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट गुरसिरत एंड दिव्यांशी, बाकी हाँ जी वही बच्चे बार बार हैंड रेज करते हैं। आशीष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आशीष आशीष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके आर्यमान अनम्यूट योरसेल्फ, ओके रिद्धि, यस रिद्धि बेटा। मैम हम tan 15 को पहले कर लेंगे कि tan 45 माइनस 30, ओके फिर tan वो आइडेंटिटी लगा लेंगे tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b ओवर 1 प्लस बेटा 1 प्लस, अगर यहाँ ऊपर माइनस आता है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस आता है तो नीचे माइनस। ओके दिस इज द वे हाउ यू लर्न दिस फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट है। अब फॉर्मूला लगाइए tan 45 माइनस tan 30 डिग्री ओवर मेरे पास हो गए 1 प्लस tan 45 प्लस tan 30 डिग्री। तो अब बेटा मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या जो गए कॉन्सेप्ट बन गया, दैट इज 1 माइनस tan 30 मेरे पास हो गए 1/√3, ओके जी ओवर 1 प्लस ये tan 45 का नहीं होता तो यहां पर भी 1/√3, तो मेरे पास आफ्टर टेकिंग LCM √3 माइनस 1 ओवर √3, √3 कैंसिल हो जाएगा और √3 प्लस 1, आप इसको रैशनलाइज कीजिए। कभी भी मैं हमेशा यही बच्चों को कहती हूं आंसर को एज इट इज मत छोड़ो, उसको प्रॉपर रैशनलाइज करके इवैल्यूएट, ठीक है बेटा जी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? काव्या दिव्यांशी ओके क्लियर बेटा, चलिए लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही एंजॉय करोगे इन क्वेश्चंस को,
बिकॉज इनमें जैसे आपने टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस थे, आप अल्टीमेटली एंड में पहुंचते थे रिजल्ट, सेम इज ये, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, मेरे पास है cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y, मुझे प्रूफ करना है, I have to prove equals to sin x plus y, ये राइट हैंड साइड मेरे पास है और मैंने प्रूफ करनी है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से सारे देखो, चलिए देखते हैं अब किसकी टर्न आती है, लेट अस सी। ओके तरुण, तरुण बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, रोल नंबर 39। हाँ जी तरुण, आप इसको देख के कुछ ऑब्जर्व करते हो कुछ आप? हाँ जी बोलिए। ये साइन एक्स बन जाएगा पहले, cos pi by 4 कैसे बेटा, sin x कैसे बनेगा, cos pi by 4 minus x जो मैंने pi by 4 is 45 degree, मैंने 45 से तो कोई कराया ही नहीं, तर मैंने तो बेटा 90 या pi से या 3 pi by 2 से या 2 pi से, मैंने pi by 4 से कुछ नहीं कराया बेटा, ओके क्लियर बेटा तरुण? Yes, अब जरा ध्यान से देखो, जो एंगल यहाँ है ना वही एंगल यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल बेटा यहाँ पर है ना, तो मेरे पास अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पर, ये कॉस अगर ए, मैं इसको ए मानू, नेक्स्ट है कॉस बी माइनस फिर साइन ए, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल है, और साइन बी, तुम क्या बता सकते हो ये किसका फॉर्मूला बेटा? हाँ जी अनम्यूट कीजिए तरुण अपने आप को बेटा। cos a plus b, cos a plus b, वेरी गुड, आपने कहा cos a plus b का बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला आपने बताया मुझे। अब cos a आपके पास था pi by 4 minus x, b आपके पास था pi by 4 माइनस वाई, ओके आप आंसर में देखिए मुझे ये पाई बाय फोर कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने इनको कंबाइन कर लिया करुण, तो ये पाई बाय फोर कितना बना तरह? बेटा अनम्यूट रखो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ बेटा। पाई बाय टू बिल्कुल करेक्ट, और ये जो दोनों में माइनस था ना मैंने कॉमन ले लिया। अब करुण यहाँ आप बता सकती हो क्या करेंगे बेटा? अब तो आपको आना चाहिए पाई बाय टू माइनस ये पूरे का पूरा थीटा बन गया कॉस पाई बाय, हाँ जी बोलिए, वेरी गुड, साइन एक्स प्लस वाई बन गया, बिल्कुल करेक्ट है तरुण बेटा, ठीक है, तो 100% तरुण ने यहाँ पर करेक्ट बोला, क्योंकि कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा को लगाए हटा दिया तो साइन बन गया, और माइनस थीटा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने कोई साइन नहीं डाला, दैट इज इक्वल टू राइट आंसर, गुड कर, ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है आपको मिल के अपने आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज होगा, और एक बार कैलकुलेट जरूर करो जाके खुद, यहाँ मैं बता रही हूँ हम किसी की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो बिना देखे आप करोगे, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप उसको मार्क करोगे ताकि आप जो है उसको इवैल्यूएट कर सको, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन, अब आप लोग ही बताओगे मुझे, सेवेंथ क्वेश्चन, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स ओवर टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ओके That is equals to 1 plus tan x over 1 minus tan x का whole square, मुझे ये प्रूफ करना, चलिए
जल्दी जल्दी हरी अप, हु इज एबल टू टेल मी? कोई भी नहीं, ओनली वन दिव्यांशी, बाकी बच्चे बेटा उदयवीर, उदयवीर इट्स योर टर्न, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। नहीं भी आता कोई बात नहीं, डजंट मैटर। दिव्यांशी लोड योर हैंड बेटा। हाँ जी बेटा उदयवीर, अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं भी आता कोई बात नहीं उदयवीर, नहीं हो रहा, नहीं आ रहा। उदयवीर आप ही ध्यान से सोचना है ना, अपने आप को म्यूट नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी उदयवीर, यहाँ पर आप देखिए tan a plus b का आपने कोई फॉर्मूला किया उदयवीर? यस मैम। क्या फॉर्मूला है बताइए मुझे? tan a plus b, tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। लगाओ ना बेटा ऊपर फॉर्मूला को, यहाँ नीचे भी लगाओ, लगाइए। ओके tan pi by 4 plus tan x। यस बिल्कुल। over 1 minus tan pi by 4 tan x। ओके tan x तो बिल्कुल उसका, उसके भी नीचे over tan pi by 4 minus tan x। बिल्कुल। by 1 plus tan pi by 4 tan x। प्लस अब जहां पाई बाय फोर है, टेन पाई बाय फोर आपको पता है वन होता है, तो आप सीधा की वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स हो गया ओवर, देखिए टेन फोर्टी फाइव, वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स। ओके अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, जब आप रेसिप्रोकल करोगे ये वाली टर्म ऊपर चले जाएगी ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में रहेगी तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, दैट इज 1 प्लस tan x का स्क्वायर ओवर 1 माइनस tan x का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया, यही प्रूफ करना था बेटा हमने। ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आई सबको? एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क। चले आगे, ठीक है गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। अब आप सब ट्राई कीजिए जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर एट जो है मुझे अपने अपने उस पे स्क्रीन पे शो कीजिए जल्दी बेटा। अरे अब बी फास्ट, क्वेश्चन नंबर एट आप ट्राई करोगे टिल क्वेश्चन नंबर 11, आपका होमवर्क है टिल क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस के फॉर्मूले अभी मैंने नहीं करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सब ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बेटा रेज योर हैंड। नेक्स्ट उदयवीर से नेक्स्ट विरति, यस विरति बेटा विरति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नहीं भी आता मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डोंट फील शाय, डोंट फील शेम, हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी रोल नंबर 42 विरति, ओके युवराज रोल नंबर 44, हाँ जी अनम्यूट कीजिए युवराज, जस्ट वेट युवराज। ओके पहले व्यक्ति ने हैंड रेज किया, देखते हैं क्या कहती है। यस व्यक्ति बेटा, व्यक्ति अनम्यूट कीजिए बेटा, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास हो गए बेटा cos pi plus x cos minus x over मेरे पास हो गए sin pi minus x and cos pi by 2 plus x।
चलिए देखते अनम्यूट कीजिए व्यक्ति बेटा वंस यू अनम्यूट योर सेल्फ ना जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता म्यूट मत किया कीजिए अनम्यूट कीजिए व्यक्ति यस मैम कॉस पाई प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट क्यों ओपन करेंगे आपने पाई आप हम लोगों ने कॉस पाई प्लस थीटा का सीधा फॉर्मूला किया था व्यक्ति कि अगर पाई है या टू पाई है तो कोई चेंज नहीं होता है ना तो दैट मींस हम इसको सीधा कॉस थीटा लिख सकते हैं लेकिन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस आएगा यस तो यानी इसकी प्लेस में आई कैन राइट कॉस एक्स ओके फिर हमने ये अब ये अंदर नेगेटिव है आपको याद होगा कॉस क्या नेगेटिव कंज्यूम करता है कि नहीं करता बेटी नो मैम नहीं करता करता है बेटा अगर आपको याद हो मैंने कहा था को कॉस कंज्यूम करता है और सीकेंट कंज्यूम करता है बाकी कोई कंज्यूम नहीं करता मतलब कॉस माइनस थीटा जो है ना बेटा वो कॉस थीटा के इक्वल होगा तो मेरे को यहाँ कॉस एक्स लिखना ओके है ना देखो अब साइन पाई माइनस थीटा बताइए बेटी इसका क्या आएगा बेटा साइन एक्स वेरी गुड दैट इज साइन एक्स और कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स ओके वेरी गुड माइनस साइन एक्स ऐसे नहीं छोड़ देना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो